हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? सभी बहुत अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं सुनील भाटी स्वागत करता हूं आपके अपनी मैथ की क्लास में। यहां हम पढ़ रहे हैं मैथ, वो भी डिटेल में, और हम आप पहुंचे हैं अपने टॉपिक पर, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पर। तो जैसा आप सभी जानते हैं, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या क्या हैं, लेकिन एक प्रैक्टिस हम इसकी करेंगे। एक बार चीज़ों को जानेंगे, समझ लेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके साथ ही। तो आप तैयार हैं? आप चीज़ों को नोट करते चलिए, कॉपी पेंसिल के साथ बैठिए और करते हैं शुरू, है ना? तो आओ फटाफट देखते हैं। जैसे सबसे पहले है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को बोलते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान स्थिति के अनुसार जो बताया जाता है। और फेस वैल्यू को क्या कहते हैं? आंकिक मान। आंकिक मान, आंकिक मान भी बोलते हैं, या फिर जातीय मान भी। जातीय मान। तो आप बिना देर किए हुए सीधा करते हैं हम। जैसे आते हैं, सबसे पहले मैंने एक नंबर लिखा 87352। इसमें सेवन के, इस संख्या में सेवन के स्थानीय मान और जातीय मान दोनों ज्ञात करने हैं। सेवन के स्थानीय मान या सेवन के स्थानीय मान व जातीय मान ज्ञात करने हैं, ठीक है? ये दोनों ही बताने क्या होंगे। तो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? जैसा हमने पहले पढ़ा, ये वंस है, टेंस है, हंड्रेड है, ये थाउजेंड प्लेस है, है ना? ये कौन सा है? वंस प्लेस, ये टेंस, ये थाउजेंड, हंड्रेड, ये थाउजेंड, ये इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार। तो अब इतना नहीं सोचना है, फिलहाल आप डायरेक्ट करोगे, लेकिन ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, इसी से हम करेंगे। तो जैसे मैंने सेवन लिखा, सेवन के नीचे सेवन और जितने अंक है उतनी जीरो, तो ये क्या हो गया? ये हो गया स्थानीय मान। वैसे भी हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? 87,000, तो ये 7,000 के स्थान है इसका, इसका वैल्यू कितनी है? 7,000। और अगर बात जातीय मान की या आंकिक मान की करें, तो आंकिक मान हमेशा वो ही रहता है जो वो अंक लिखा हुआ है। तो सात लिखा हुआ है, तो सात ही क्या हुआ है यहाँ हमारा? आंकिक मान। जैसा भी अंक लिखा है वैसा ही वो सीधा बता देना है, वो आंकिक मान है। और स्थानीय मान अंक लिखना है और जितने उसके बाद क्या है, जितने अंक हैं उतनी जीरो रख देनी है सारी। तो दोनों चीज़ें क्लियर हैं। कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जैसे एक क्वेश्चन लिखा 87625, 83, एक ही बड़ी सी वैल्यू लिख दी। इसमें आपसे पूछा है कि सिक्स और फाइव के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। सिक्स व फाइव के स्थानीय मानों का अंतर, स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करें। तो सिक्स का स्थानीय मान क्या होगा? सिक्स, और कितने अंक है? चार, इतनी हम लगा लेंगे जीरो, ये होगा सिक्स का स्थानीय मान। फाइव का स्थानीय मान क्या होगा? 500, पाँच और दो जीरो, ये। अब इन दोनों का अंतर निकाल देंगे, तो ये जीरो, ये जीरो, ये कितना? पाँच, ये नौ और ये पाँच, तो यही क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है? आपने भी फटाफट कर लिए होंगे। तो इस तरह से ये चीज़ें हो जाती हैं। अब और देखते हैं और किस तरह से आते हैं। कई बार पॉइंटों में आते हैं, वहाँ हम गड़बड़ कर देते हैं, तो उस चीज़ की हम प्रैक्टिस करके चलेंगे। जैसे आपके पास आया 8347692,
ये यहाँ पर दशमलव लगा है ना जी। तो अब आपसे पूछेगा कि 4 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करो। इस संख्या में 4 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर, स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करने में दोनों स्थानीय मानों का अंतर क्या है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें केवल जहाँ तक पॉइंट है यहाँ तक चलना है। इस वाले 4 का स्थानीय मान क्या हुआ, 4, और 2 अंक है तो 2 बार 0 लगा ले। और इस वाले 4 का स्थानीय मान क्या हुआ, 4। अब देखो 0 इधर नहीं बढ़ानी, किधर बढ़ानी है, पॉइंट की तरफ। पॉइंट इधर है तो इधर ये, और जहाँ पॉइंट है वहाँ पॉइंट, यानी पॉइंट तक चीज़ें ले जानी है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, माइनस कर लेंगे, इधर जितने अंक हैं उतने 0 बढ़ा ली, ठीक है जी। ये हमने बाद में बढ़ाई है, अब इसे घटा लेंगे तो ये बचा हमारा 6, ये 9, ये भी 9, ये भी 9, और ये 3, और यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट। तो ये चीज़ समझ में आई, बेहद आसान है। अच्छा, दोनों का योग पूछता तो ऐसे ही आप योग भी कर लेते, इसी तरह से आप अंतर भी कर लेते। तो इनको एक बार देख लेंगे, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, आसानी से हो जाएंगी। देखो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, और आजकल किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक संख्या दी उसने हमें 25.673 में 6 का स्थानीय मान 6a है, तो पांच ए प्लस 3/a की वैल्यू ज्ञात करें। इसमें 6 का स्थानीय मान क्या है, 6a, तो वैल्यू ज्ञात करनी है। अब करते हैं, यहाँ पर स्थानीय मान, ये 6 का मान बताइए क्या है, 6 का स्थानीय मान। तो 6 का स्थानीय मान 0.6 है, और 0.6 को किसके बराबर दे रहा है, 6a के बराबर। तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 0.1, ठीक है। ऐसे में किसी भी अंक को दे, जैसे इसका मान अगर ऐसे लगा के दे a b c, तो क्या होगा वहाँ पर, देखो इकाई स्थान पर है, इसमें 1 की गुणा है, इसमें 10 की गुणा है, इसमें 0.1 की गुणा है, इसमें 0.01 की गुणा है। तो बस वही हमको पता करना है, और ये हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं। जैसे फिर से समझ लीजिए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो यहाँ हम 6 में क्या मान बताते हैं, 0.1 की गुणा है, इसमें कितने की गुणा है, 7 × 0.01 की गुणा है। इसमें क्या है, यह है 3 × 0.001 की गुणा है, ये 5×1 है और ये 2×10 है। तो आपसे ए बी कुछ भी लिख कर पूछे हो, वो आप आसानी से इस तरह से बता सकते हैं। अभी ए की वैल्यू 0.1 है, तो फटाफट ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम, 5 × 0.1 प्लस 3/0.1। तो ये आप करेंगे, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 बढ़ जाएगी, ये कितना आएगा, 0.5 + 30, तो कितना हुआ सॉल्व करने पर, 30.5, ये हो गया आंसर। देखो पूछा था हमसे 5a + 3/a, और वैल्यू आई हमारी 30.5। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, जो चीज़ें समझ में ना आए आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को समझ लीजिए। तो इस तरह से ये याद रखना है, यानी यदि मैं एक बार फिर से कहूँ तो किसकी वैल्यू क्या होती है, मैंने लिखा 437.268, तो यहाँ इस 4, ये वैल्यू कितनी है, 4×1, 2, यानी 2 अंक है ना, तो 4×100 पर है। इसकी वैल्यू यहाँ क्या है, 3×10 है। इसकी वैल्यू क्या है जी, ये 7×1 है। इसकी वैल्यू क्या है, 2×0.1 है। इस 6 वाले की वैल्यू क्या है,
इसकी वैल्यू है 6 × 0.01, और इस 8 की क्या वैल्यू है, 8 × 0.001, ठीक है। और ये सब जुड़कर तब ये संख्या बन रही है। तो ऐसे में आपको ए बी सी लिख के दे देता है, आप इन चीज़ों को बड़े आसानी से कर सकते हो। इसी क्वेश्चन में सपोज वो देता है कि इस क्वेश्चन में संख्या में 4 का स्थानीय मान, चार ए, ठीक है, और 3 का स्थानीय मान 3 बी, 7 का स्थानीय मान 7 सी, 2 का स्थानीय मान 2 डी, 6 का स्थानीय मान 6 ई, और 8 का स्थानीय मान 8 एफ है। ऐसा कुछ भी देकर आपसे पूछ सकता है, तो ज्ञात कीजिए कि 5 upon D plus 3 upon B plus 7E क्या होगा। तो अब बताइए क्या होगा। अब देखो ये सब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें आपको पता हैं, ये ही तो हैं वो ए बी सी जो आगे गुणा में लिखे हुए हैं, इन्हीं को देख के आप फटाफट कर लेंगे। तो 5D की वैल्यू क्या होगी, 5/D, तो 5/, अब D की वैल्यू क्या है, 2 पर ये है ना हमारा, तो 0.1 है, प्लस 3/, B की वैल्यू कितनी है, B में है वैल्यू बनेगी 10, ये 10 हो गई, आप यहाँ से देख सकते हैं ये रही, और ई में वैल्यू क्या है, 7 × ये 6 वाली, यानी ये, ये है, तो ये आपकी हो गई 0.01। अब ये फटाफट हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये कितना हो गया, ये हो गया 50, ये हो गया 0.3, और ये कितना हो गया, प्लस ये 0.3 हो गया, और ये हो गया हमारा 0.07। सब जुड़ के कितना आ जाएगा, 50.37, यही आंसर होगा। तो ये चीज़ें आपको बेहतर समझ में आ गई होंगी, इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं घुमाकर, तो भी आप इनको अच्छे से कर लोगे। तो ये सभी क्वेश्चन आपको करने हैं, फिर भी प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू में कोई चीज़ें बच जाएँ तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और फिर कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकते हैं। तब तक आप इसको अच्छे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और अपनी मैथ को इसी तरह से इम्प्रूव करते रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।